मैं एक बार अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं सीक्वेंस ऑफ इवेंट, और फिर प्रदीप सर के पास आ रहे हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो है उस पर जरा ध्यान दीजिए और उससे आपको पता लगेगा एक डेस्परेशन क्या था वहां पर और यहां पर। देखें आप, सोमवार को देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। नंबर वन, उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की जो हम बात कर रहे हैं, एक्सचेंज ओवर करें यहां पर, वो देखें। बैठक में उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत गौतम मौजूद रहे। फिर चेंज करें यहां पर, रमन सिंह, दुष्यंत गौतम ने विधायकों और सांसदों को से बात की। फिर चेंज करें यहां पर, वो ये देहरादून से दिल्ली लौटे केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने जेपी नड्डा को सौंपी अपनी रिपोर्ट। फिर यहां पर चेंज करें, वो देखें आप, सोमवार को दिल्ली में जेपी नड्डा अमित शाह से मिले त्रिवेंद्र सिंह रावत, और यहां पर दो दो बार मुलाकातें हुई हैं। मैं सीधे राहुल इस वॉल को और शॉट्स को सीधे लेकर चलूंगा मैं प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर, आप ये जो कुछ भी हो रहा है इसके दो इंपैक्ट क्या हो सकते हैं? पहला तो बंगाल चुनाव पर, नंबर वन। नंबर टू, यूपी में भी इलेक्शंस अभी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर है, नजदीक है, तो एक मैसेज जो है जो परकुलेट करता है कि देखिए इनको अपने मुख्यमंत्री के ऊपर फेथ ही नहीं है, वो हर जगह स्पिल ओवर हो सकता है। नहीं, आपके निशान दूसरे सवाल से मैं पहले शुरू करूंगा। ये बात आपकी ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है, लेकिन ये जो कदम बीजेपी उठाने जा रही है, अगर आज सिंह रावत का इस्तीफा हो जाता है तो नहीं लग रहा है, तो दो बड़ी गलतियां करने के बाद अब गलती सुधारने की कोशिश हो रही है। पहली गलती बीजेपी ने राजस्थान में की, जब वसुंधरा राजे के खिलाफ उनके विधायक और आम जनता में नाराजगी थी। इसी तरह से झारखंड में दूसरी गलती की, जब रघुवर दास के खिलाफ आम लोगों में और विधायकों में नाराजगी थी, पार्टी हाईकमान ने उसको नहीं सुना। पार्टी हाईकमान ये मानकर चल रहा था कि जिसको एक बार सौंप दिया है जिम्मेदारी, उस पर भरोसा करना चाहिए, लोगों की धारणा के आधार पर या लोगों की शिकायत के आधार पर उसे हटाया नहीं जाना चाहिए। दोनों राज्य बीजेपी हार गई और उन दोनों राज्यों में बीजेपी अनपॉपुलर नहीं थी, लोकप्रिय नहीं हुई, उनके उनके मुख्यमंत्री अलोकप्रिय हुए, न केवल आम लोगों में बल्कि अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं में। यही स्थिति उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की है। आपको याद होगा कि उत्तराखंड में आप संवाददाता ही अभी बता रहे थे कि कोई एनडी तिवारी के अलावा कोई 5 साल पूरा नहीं कर सका कोई मुख्यमंत्री। जब खंडूरी को 2011 सितंबर में बनाया गया चुनाव से 4-5 महीने पहले, तो उसका वो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए था। अभी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव एक साथ ही होने हैं 2017 मार्च में, तो लगभग 1 साल का समय है, तो नए मुख्यमंत्री के लिए, नए नेता के लिए काम करने का तो समय होगा, इस नाराजगी को कम करने का समय होगा। जहां तक पश्चिम बंगाल के चुनाव पर असर की बात है, देखिए जो विरोधी है बीजेपी के वो इस मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल के चुनाव पर इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुद्दे तय हो चुके हैं, रणनीति तय हो चुकी है सभी पार्टियों की, और उन्हीं उन मुद्दों से भटकना कोई नहीं चाहेगा। इस तरह के नए मुद्दे छोटे मोटे जुड़ते रहेंगे। सर, मेरा मैं आपसे एक और चीज पूछा था प्रदीप सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली और मैं माफी चाह रहा हूं आपको रोकने के लिए, लेकिन सर क्या अपने मुख्यमंत्रियों के सिलेक्शन प्रोसीजर में पश्चिम बंगाल के लिए ये एक लेसन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होना चाहिए, होगा कि नहीं ये हम आप नहीं कह सकते, लेकिन होना चाहिए कि मुख्यमंत्री ऐसा हो जो लोगों की सुनकर चले। काम कोई थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब कर सकता है, लेकिन अगर आप सुनने को तैयार नहीं है, आपके बारे में ये धारणा बन जाए कि आप न विधायकों की सुनते हैं, न कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, न आम आदमी की सुनते हैं, तो ऐसा नेता नहीं चलेगा। ये बीजेपी हाईकमान को इस बात को समझ लेना चाहिए, ये सभी पार्टियों के लिए है, कि अगर नेता आपका अलोकप्रिय हो रहा है और पार्टी से उतनी नाराजगी नहीं है, तो ये डेंजर सिग्नल है, खतरे का संकेत है, जिसको पार्टी हाईकमान को समझना चाहिए और समय पर इसका जो है निराकरण करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये ठीक समय से, थोड़ा और पहले होता ज्यादा अच्छा होता, अभी सब कुछ गया नहीं है, चुनाव में अभी 1 साल है, इसलिए मौका है पोस्ट करेक्शन का। तो ये जो फैसला मोदी और शाह के आने के बाद पिछले 7 साल में पहली बार कोई मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले हटाया जा रहा है,
तो ये सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।